महानगर पालिका अंतर्गत पांचपावली अग्निशमन केंद्र एवं कर्मचारी संकुल पुलिस लाइन टाकली तालाब पुनरुज्जीवन फ्रेंड्स कॉलोनी से हजारी पहाड़ी तक का 18 मीटर रास्ता इन विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। महानगर पालिका अंतर्गत पांचपावली अग्निशमन केंद्र एवं कर्मचारी संकुल पुलिस लाइन टाकली तालाब पुनरुज्जीवन फ्रेंड्स कॉलोनी से हजारी पहाड़ी तक का 18 मीटर रास्ता इन तीनों विकास कार्यों का शिलान्यास शिवाजी चौक फ्रेंड्स कॉलोनी हजारी पहाड़ में संपन्न हुआ। इस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी, विधायक प्रवीण दटके, विधायक विकास ठाकरे, माजी सत्तापक्ष नेता मनपा संदीप जाधव, पूर्व महापौर माया इवनाते, पूर्व महापौर शंकर तिवारी, भाजपा शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े समेत सभी पूर्व नगर सेवक उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल से की गई। इस समय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शिलालेख का शिलान्यास किया गया, जहां मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने प्रस्ताविक भाषण कर इन विकास कार्यों की जानकारी दी, तो पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक विकास ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अभिनंदन देते हुए कहा कि आपके द्वारा निधि आवंटित आ गया, निधि से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन जब तक आप अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे आवंटित निधि का सदुपयोग नहीं होगा, अपितु आगे भी आपके सहकार्य की जरूरत पड़ेगी। आणि त्यासाठी मी 40 लाखाचा निधी देऊन ती कंपाऊंड वॉल सुद्धा साहेब यांनी करून दिली आणि ती गैरसोय सुद्धा दूर झालेली आहे आणि अशा पद्धतीनं या भागातील काम करण्याचा मानस केंद्रीय मंत्री साहेबांचा आणि माजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा आहे। परंतु साहेब एवढं केल्यानं पश्चिम नागपूर काही सुधारणार नाही आहे, यासाठी फार मोठा निधी लागणार आहे। इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक विकास ठाकरे को आश्वस्त करते हुए कहा कि नितिन गडकरी और मेरा विशेष प्रेम पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र पर है, क्योंकि भाजपा की प्रतिकूल स्थिति होते हुए भी हमने यहां से चुनाव लड़ा है, यह हमारी कर्म भूमि है, अपूति यहां के विकास हेतु हम प्रतिबद्ध है। इस समय उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का आश्वासन इस वक्त जनता को दिया, साथ ही साथ हर क्षेत्र के क्रीड़ा मैदान में निर्मिति बात करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि आज के युवा मोबाइल पर खेल रहा है, लेकिन क्रीड़ा ग्राउंड की निर्मिति से हम युवाओं को मैदान पर उतारेंगे। आज नागपुर अफोर्डेबल ग्लोबल सिटी बन चुकी है। त्या काळामध्ये जेव्हा भाजपला कुठली अनुकूलता नव्हती अशा काळामध्ये माननीय नितीनजींनी पश्चिम नागपूरमध्ये निवडणूक लढाली होती, त्यामुळे आमचं दोघांचंही विशेष प्रेम हे पश्चिम नागपूरवर आहे। म्हणूनच इकडचे जेवढे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रस्ताव हे आमच्याकडे आत्तापर्यंत आले आहेत आणि पुढे येणार आहे, मी आपल्याला आश्वस्त करतो की त्या प्रस्तावांना निश्चितपणे या ठिकाणी मान्यता मिळेल आणि पश्चिम नागपूरच्या विकासामध्ये आम्ही कुठेही हे बघणार नाही की या ठिकाणी आमदार कोण आहे, नगरसेवक कोण आहे, आपल्याला शेवटी सगळ्यांना मिळून हा विकास करायचा आहे। इस समय विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शहर में जलापूर्ति के विकास हेतु हम प्रतिबद्ध है और 32 पानी की टाकियां महानगर में बनने जा रही है, जहां 11 टाकियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सड़क हादसे रोकने की दृष्टि से पुलिस लाइन से आगे काठोल नाके तक उड्डान पुल बनाने की बात भी इस समय गडकरी ने कही। उसके ऑफिस बैरर मेरे पास आए थे और मैंने उनको इतनी गालियां दी और गालियां अंग्रेजी में ट्रांसफर करके कि वो बेचारे लाल लाल हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। जितनी आप घर में नहीं देते होंगे उससे ज़्यादा भी बढ़कर दी, इसलिए आप समझ लो क्या दिया होगा। और इसमें 3 त्रुटियां रही है, कुछ हमारी गलतियां रही है, कुछ उनकी गलतियां रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ कन्हान में फीडर लाइन ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में हर जगह जहाँ जहाँ पानी की योजना है वहाँ MSCB की फीडर लाइन है और दिन में 2 बार 4 बार लाइट जाते हैं और जिसके कारण ये फीडर लाइन न होने के कारण तकलीफ होती है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।